हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं CSMT में हूँ और आज मैं मुंबई से झारखंड के लिए निकल रहा। फ़िलहाल तो अभी मैं स्टेशन पे हूँ और यहाँ से मैं बाहर जाऊँगा, मतलब स्टेशन से बाहर कहाँ जाऊँगा, अंदर जाऊँगा। तो आज ये मेरा मुंबई का आखिरी दिन है, तो चलो मिलते हैं आगे। आगे बताता हूँ, आगे चलते दिखाता हूँ। बाय। हेलो हेलो, अभी हो रहे सुबह के 9 और अभी मैं सो करके उठा। अब दिन भर पता नहीं कैसे निकलने वाला, फिर रात तक पहुंच जाऊंगा। फिलहाल तो अभी ब्रश करने जा रहा, फिर नाश्ता करूंगा। तो सुबह के हो गए 10 और मैं अभी मुंह धोया, ब्रश किया, अब हो गया फ्रेश। तो अभी मैं ये चेंज करूँगा, उसे पहनूँगा। तो चलो मिलते हैं चेंज करने के बाद। तो मिलते हैं। तो लो हो गए, मैं चेंज कर लिया मैंने। अब पता नहीं, शायद बिहार हम लोग पहुँचे हुए हैं। तो कितना देर और लगेगा पहुँचने में हमें नहीं पता। तो बने रहो ब्लॉग में, चलते चलते मिलते मिलते मिलेंगे आगे। फिलहाल तो चल बाय। आ चुका हूँ। अब यहाँ से मेरे कुछ दोस्त आएंगे, फिर इसके बाद मैं दूसरे प्लेटफॉर्म में जाऊँगा, उसके बाद घर जाऊँगा। तो अब फाइनली झारखंड पहुँच चुका है। यार यहाँ बहुत ठंड है, कसम से बहुत ठंड है। मुंबई में तो बिल्कुल ठंड नहीं, यहाँ बहुत ठंड है। तो अब पता नहीं अब कब तक वो लोग आएंगे, फिर आगे जाऊँगा मैं। तो देखता कब तक आएगा। चलिए यार, बहुत ठंड है यहाँ पे। यहाँ पे इस लोहे वाले स्टील वाले पे तो बैठा भी नहीं जाता, इतना ठंड है। हाथ रगड़ रहा है और अंदर से बस मैंने यही हुडी पहना हुआ है, अंदर से कुछ है भी नहीं, इतना ठंड लग रहा है। कहाँ पर आना है पता नहीं, कब ये दोनों आएगा और फिर मैं आगे बढ़ूँगा। जाओ भाई, बहुत ठंड है। तो कहाँ रह गए यार, देखता कब तक आते हैं, आगे का दिखाता हूँ मैं फिर। चलो तब तक के लिए, आप सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे लगा 2 आएंगे और ये 3 आ गए। देखो कैसे चल के आ रहे सब। दौड़ गया दौड़ के। सारे
ए भाई पैर छुए तो नहीं की तो भाई मैं तो घर तो आ गया था, 4 बजे ही आया, वहाँ 3:30 बजे की ट्रेन थी तो 4 बजे मैं घर आ गया था। तो उस टाइम पे इतना ठंड था, लाइक 7 डिग्री सेल्सियस था जब मैं कोडरमा में उतरा। भाई क्या ठंड थी इधर, मुझे लगा कि चल थोड़ा मोटा ठंड होगा, तो यहाँ लाइक मुंबई से लेकर के मुंबई में 27 रहता है, यहाँ पे 20 डिग्री सीधा कम। अब अचानक से जब मैं ट्रेन से बाहर निकला इतना ठंड, लिटरली मैं फिर से वहीं कपड़े चेंज किया मैंने, अपने स्कूटी के ऊपर से 2-3 और पहन लिया मैंने। इतना ठंड था कि मेरे हाथ पर सुन्न पड़ गया था। फिर मेरे दोस्त आए, उन सब ने तो बैग उठाया और मेरा हेल्प किया। लाइक वो लोग नहीं आते तो मैं तो आधा घिसड़ते रह जाता बैग को, क्योंकि मैं जितना वजन नहीं था उतना तो मेरे बुक से सारे बैग भरे पड़े थे। तो वहाँ से हम लोग स्टेशन से फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे आए और वहाँ से फिर नीचे आके कुछ पता है, हम लोगों ने 4-5 बार चाय पिया, इतना ठंड सा लग रहा था मुझे। 4-5 बार हम लोगों ने चाय पिया और उसके बाद फिर घर आया मैं। 4 बजे तक निकल गया उधर से, घर आ गया, लेकिन मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि ठंड में मेरे हाथ ही सुन पड़ गया तो मैं ब्लॉग क्या करता। तो घर आया और फिर घर पे आके सोचा कि चलो मैं ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन फ़ोन चार्ज ही नहीं था मेरा तो नहीं हो पाया। तो मैं तब आके चुपचाप सो गया, सोचा कि चलो फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ, थोड़ा चार्ज हो जाएगा फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। इस बहाने में सोया और लाइक तब से सोया और अभी 11 बज गए। तो अब 11 बजे मैं उठ रहा और अभी मैं ब्लॉग को एंड करने के लिए आया। तो अभी बस इतना कहूँगा, थैंक यू बने रहने के लिए और ऐसे ही आगे बहुत सारे ब्लॉग के लिए बने रहो। तो अभी फ़िलहाल क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मन करे तो शेयर भी कर दो। अपना भाई हो यार तो आगे बढ़ा ही सकते हो। तो थैंक यू फॉर सपोर्ट और ऐसे बहुत सारे ब्लॉग आने वाले अभी आगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर। चलो फिलहाल अभी बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जाओ सब सो जाओ, सोचा मत, पढ़ लिख लो।